बच्चों व्हाट इज अप वेलकम बैक टू विज्ञान यूट्यूब आई नो दैट आने में काफी टाइम लग गया काफी बीच में गैप हो गया दो हफ्ते का दैट इज बिकॉज कि आई वाज बिजी इन अदर वर्क समिच आई है एज वेयर वी डू हासिल डे तो कभी कभी उस प्रोसेस में हम लोग थोड़े ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और वो बढ़िया भी है ठीक है बट कोई बात नहीं आपके सर तेजस्वी सर इज बैक अनदर बैंगर वीडियो जो कि आपको आपकी फ्यूचर के लिए इंजीनियरिंग में जो आपकी करियर है उसके लिए काफी आपको हेल्प करेगा ठीक है तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टॉप टेन एनआईटीज के बारे में यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना जो कि जेई मीन में काफी अच्छा स्कोर करने से हमें मिलता है वी नो दैट आफ्टर सम टॉप आई अगर बच्चे का उसमें नहीं हो पाता है ड्यू टू सम इश्यूज तो उसके बाद बच्चों की नेक्स्ट प्रेफरेंस होती है टॉप एनआईटीज बट यूजुअली जैसे कि क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है ऑन अ डेली बेसिस तो बहुत सारे जे एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें यही नहीं पता कि टॉप एन हैं कौन सी और उसके क्या एवरेज पैकेजेस हैं क्या कैंपस का डिजाइन है क्या मतलब कितने एकड़ का कैंपस है सी ब्रांच में कितनी पैकेज मिलेगी यू नो कितना और भी बाकी डिटेल्स जो कि यू you नो know, कितनी ट्यूशन फीस होगी एवरीथिंग सर ये सब होती क्या एनआईटीज में NITs के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को यूजअली नहीं होती क्योंकि हम जो भी उनको इन्फॉर्म करते हैं वो करते हैं IITs को लेकर। you know, no जिनकी NIRF ranking NITs से कम है यू वोट बिलीव दैट बट दिस इज द फैक्ट ठीक है जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे एन आई आर एफ क्या होता है सर तो एनआईआर होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ठीक है तो चलो इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन सो टुडे वी कर नॉट टॉक अबाउट टॉप टेन एनआईटी जिसको आप सीरियसली कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है सपोज और जेई मेन्स के फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में से किसी भी एक अटेम्प्ट में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आता है ठीक है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दीज टॉप टेन एनआईटीज आई एम गोना टॉक अबाउट इन टूडे वीडियो जिसमें कि आप अपना यू नो करियर सोच सकते हो ठीक है काफी फ्रूटफुल होगा आपका करियर इन एन आई टीज में ठीक है गाइस तो चलो लेटस बिगिन सबसे पहले बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है फी स्ट्रक्चर क्या होता है एनआईटीज का तो देखो मैं फीस स्ट्रक्चर ऐसे कॉमन में क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी एनआईटीज हैं सबकी फीस स्ट्रक्चर सेम है ठीक है चाहे वो कोई भी एनआईटी हो इस कंट्री इस की तो सबका जो फी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली होता है दो से ढाई लाख पर ईयर ठीक है यानी टू से टू पॉइंट फाइव लाख पर ईयर इज दूशन फीस इज दी फी स्ट्रक्चर ऑफ एनआईटीज विच इंक्लूड्स ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल प्लस मेस ठीक है यानी ये तीनों चीजों को मिलाकर दो से ढाई लाख आपको देने होते हैं हर साल फॉर एनी ऑफ द आई आई टीज विच इज प्रेजेंट इन आर कंट्री तो ये एवरेज होता है फीस स्ट्रक्चर का ओके अब इसमें कैटेगरी वाइज कुछ वेव भी हो जाते हैं। जैसे एस सी एस टी कैटेगरी के लिए भी ट्यूशन फीस आई गेस भी वेव ऑफ होता है 100 तक भी वेव ऑफ होता है उनको केवल हॉस्टल और मेस देना होता है बहुत सारी चीजें होती हैं प्लस अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप यू you नो know, मतलब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से यू नो बिलोंग करते हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज आपको क्योंकि आप एनआईटी के लिए क्वालिफाई की हो तो आपको एस की जो स्कीम होती है लोन की एजुकेशन लोन की जो कि एस बी स्कॉलर स्कीम होती है ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूं एस बी आई स्कीम ठीक है इसके अंतर्गत आपको एजुकेशन लोन आराम से बहुत ही इजीली विदाउट एनी हैसल मिल जाएगा ठीक है क्योंकि आप एन में सेलेक्ट हुए हो ठीक है तो आपको कोई भी बैंक लोन देने से कतराएगा बिल्कुल नहीं ठीक है तो या तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो या लोअर मिडिल क्लास किसी भी कैटेगरी में हो जहां पर अभी आपको इतनी फाइनेंशियली आप साउंड नहीं हो कि आप इतनी फीस दो से ढाई लाख साल के दे पाओ तो आपको बिल्कुल घबराने की या निराश होने की बात नहीं है देर आर वेरियस यू नो स्कीम्स एंड इन पब्लिक बैंक जो कि आपको हेल्प करेगी फाइनेंस करने में ठीक है तो ये हो गई फीस स्ट्रक्चर की बात अब बात करते हैं टॉप टेन एन की ठीक है तो जो सबसे पहला एनआईटी है जो सबसे नंबर वन पे है जिसका रैंक वन है वो है एनआईटी त्रिची एनआईटी त्रिची ठीक है त्रिची कहां पर है ये एनआईटी है तमिलनाडु में ठीक है इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट एट 1964. 1964 हंड्रेड एकर, एकर कैंपस कैन यू बिलीव इट सच एंड वाइब्रेंट कैंपस ठीक है इसकी जो एन आई आर एफ रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ठीक है एन आई आर एफ रैंकिंग जो एनआईटी तिरची की वो है एर्थ इन इंजीनियरिंग आप सोच सकते हो ये आठवें नंबर पे है इसके ऊपर जितने भी बाकी सात इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो सातों आई आई टीज के खत्म होने के बाद आठवें नंबर पर सीधा एनआईटी तिरची है रैंकिंग में मतलब इस दुनिया इस देश में केवल सात आई तो है नहीं इसका मतलब देर आर सो मेनी आई आई टीज विच आर बिलो द रैंकिंग ऑफ एन आई ठीक है

उसकी अगर बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज जो पैकेजी थी तीसरी से गया है वो है सेवेंटी टू लैक्स का इच इज ह्यूज अगेन बहुत ही ह्यूज नंबर है ये आप सोच सकते हो हाईएस्ट पैकेज बहत्तर लाख का सेवेंटी टू लैक्स का ठीक है अगर एवरेज पैकेज की बात करें जो एवरेज पैकेज गया था वो गया है ट्वेल्व पॉइंट एट लैक्स का ठीक है ये एवरेज पैकेज है हाइएस्ट पैकेज तो उस बच्चे को मिल उन कुछ बच्चों को मिलता है ना जो कि टॉप परफॉर्मर्स होते हैं कॉलेज के ठीक है लेकिन जो नॉर्मल एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उन सबका प्लेसमेंट का पैकेज को भी अगर अपन एवरेज निकालें तो बारह पॉइंट आठ लाख का एवरेज पैकेज भी गया है विच इज ऑल्सो वेरी गुड आप किसी भी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज से कम्पेयर कर लो आप समझ जाओगे कि हाउ गुड इट इज ठीक है और क्योंकि बच्चों का झुकाव होता है थोड़ा आजकल यूजली सी एस सी ब्रांच के तरफ तो मैंने सोचा कि सीएससी ब्रांच का भी एवरेज पैकेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ एवरेज पैकेज ऑफ सीएसई ब्रांच वो है ट्वेंटी पॉइंट नाइन सेवन लैक्स यानी सी एस ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो एवरेज पैकेज जाती है एनआईटी तिरची से वो लगभग इक्कीस लाख की ट्वेल ट्वेंटी पॉइंट नाइन सेवन लैक्स यानी लगभग ऑलमोस्ट इक्कीस लाख ही हो गए इक्कीस लाख की एवरेज पैकेज जाती है तो so, आप ये देख पा रहे हो किन आई टी तिरची जो है काफी मतलब हाई परफॉर्मिंग कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये आपकी करियर को बहुत ही तगड़ा यू नो पुश दे सकता है इट इज नो लेसर देन एनी आई आई टीज इन आर कंट्री ठीक है तो बहुत ही बेहतरीन है तो ये है रैंक वन पे टॉप टेन एन आई टीज की अगर कहीं पे भी बात होती है तो नंबर वन पर हमेशा आता है एनआईटी त्रिची अब अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे है एनआईटी सूरत ठीक है यहां से तो एक फ्रेंड ने ही मेरी पढ़ाई करी है तो मैं जानता हूँ इस कॉलेज के बारे में काफी बेहतरीन है दिस कॉलेज इज सिचुएटेड इन कर्नाटका ठीक है इसकी भी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है वो 1960 में हुई है ठीक है अगर इसकी एन आई आर एफ रैंकिंग की बात करें तो इसकी एन आई आर एफ रैंकिंग टेंथ है इन इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है यानी अगर ऊपर एनआईटी तिरची की देखें तो उसकी रैंकिंग है है ना तो उसके बाद बीच में एक कोई आई होगा दूसरा और उसके बाद सीधा फिर एन आई सूरत कल आ जाता है दसवें नंबर पे, ठीक है अगर इसकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो जो एवरेज हाईएस्ट पैकेज है ज इज फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री लैक्स यानी इसको लिख देते हैं फोर्टी फाइव लैक्स ठीक है फोर्टी फाइव लैक्स ये हाइएस्ट पैकेज अब अगर एवरेज पैकेज की बात करें अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज हो जाता है आपका थर्टीन पॉइंट वन टू लैक्स ठीक है और अगर अगेन जैसा कि हम लोग कर रहे थे एवरेज पैकेज सी एस सी की बात करें

चलो अब अगर थर्ड एनआईटी की बात करें टॉप टेन लिस्ट में तो वह है एनआईटी राउर केला एनआईटी राउर केला ठीक है अब ये एनआईटी राउर केला कहां पर है हम पे पता है कहां है एनआईटी राउल केला उड़ीसा कहां है उड़ीसा ठीक है तो

इसकी एनआईआर फिफ्टीन इन इंजीनियरिंग क्योंकि आप देख सकते हो एनआईटी सूरत कल वॉज ऑन नंबर राइट तो दस और पंद्रह के बीच में बाकी जो भी होंगे वो आई आई टीज ही होंगे ठीक है तो आई आई टीज के अलावा ही पंद्रहवें नंबर पर राउरकेला है तो टॉप टेन एनआईटीज में तीसरे नंबर पर है ये ठीक है और अभी आपको आइडिया लग भी जाएगा इसके पैकेज से भी आइडिया लग जाएगा कि कितनी बेहतरीन कॉलेज है ये तो अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें और केवल पैकेज ही सब कुछ नहीं होता ना ये भी तो होता ना कि लेवल ऑफ एजुकेशन कैसे प्रोफेसर होंगे क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा तो वो सब भी बहुत बेहतरीन है दस की जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं या करने वाले हैं ठीक है इसका हाईएस्ट पैकेज है फोर्टी सिक्स ये एकेडमी कैर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू की बात कर रहा हूं ठीक है एवरेज पैकेज की अगर बात करें इसका एवरेज पैकेज है इलेवन लैक्स ठीक है अगेन सेम अकेडमी के ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू और अगर एवरेज पैकेज सीएससी की बात करें एवरेज पैकेज अगर सीएससी की बात करें ट्वेंटी पॉइंट एट फाइव लैक्स ठीक है ये इसका सी का एवरेज पैकेज है तो आप देख पा रहे हो ये भी आपको क्लैरिटी मिल रही है कि नाइटी आई राउर केला का भी यू नो हाईएस्ट पैकेज इज ऑलमोस्ट नियर टू फिफ्टी लैक्स एवरेज पैकेज इज इलेवन लैक्स सी सी अगर ब्रांच आप लेते हो तो ट्वेंटी पॉइंट एट फाइव लैक्स सो इट्स अगेन कमेंडेबल है ना अब चौथे नंबर पे जो एनआईटी आती है वो है एनआईटी वारंगल एन आई टी वारंगल नाम सुना होगा आप लोगों ने आई एम प्रिटी श्योर आई एम डैम श्योर इन सारी आई आई टीस का नाम तो आपने सुनाई सॉरी एन आई टी का नाम तो आपने सुना ही होगा एनआईटी वारंगल ठीक है वारंगल कहाँ पर है तेलंगाना है स्टेट में तेलंगाना में है ठीक है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज नाइनटीन फिफ्टी नाइन ठीक है टू फोर्टी एट का कैंपस है ठीक है अगेन विच इज वेरी ह्यूज इसकी एन आई आर एफ रैंकिंग जो है एनआईआरएफ रैंकिंग इज ट्वेंटी वन विच इज ऑल्सो वेरी गुड ठीक है अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाइएस्ट पैकेज है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव लैक्स ठीक है देख सकते हो कितना ज्यादा है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव लैक्स अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो वह है फोर्टीन लैक्स ठीक है और अगर एवरेज पैकेज सी की बात करें तो वो है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव लैक्स मैं यहां पे दो चीज बोलना चाहूंगा पहली चीज ये बात याद रखिएगा कि NIT और IITs की जो एवरेज जो है, है, तो तो पिछले पिछले है तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ये सिक्सटी टू से सिक्सटी फाइव या सिक्सटी एट हो जाएगा घट नहीं सकता एनआईटीज और आई के एवरेज पैकेज और हाइएस्ट पैकेज हमेशा ऊपर जाते हैं उनका ट्रेंड हमेशा

फोर्थ रैंकिंग इज अ ब्रिलियंट कॉलेज फॉर यूर फ्यूचर ठीक है अब अगर फिफ्थ नंबर पर बात करें तो वो है एन आई टी कैलीकट कैलीकट कहां पर है ठीक है तो देखो ये कभी स्टैब्लिश हुआ था इफ स्टैब्लिशमेंट इज नाइनटीन सिक्सटी वन ठीक है ये ऑलमोस्ट टू नाइनटी सेवन एकर का कैंपस है ठीक है भाई इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो है थर्टी वन ठीक है विच इज ऑल्सो वेरी गुड अगर इसके हाइएस्ट पैकेज की बात करें तो इट इज सिक्सटी सेवन लैक्स ठीक है एवरेज पैकेज की बात करें तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स लैक्स और अगर एवरेज पैकेज सी की बात करें तो इट इज ट्वेंटी लैक्स ठीक है तो अगेन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इसकी थी सिक्सटी टू पॉइंट फाइव लैक्स इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है ट्वेंटी वन एन वारंगल की एनआईटी कैलीकट की हाईएस्ट पैकेज है सिक्सटी सेवन लैक्स इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है थर्टी वन ठीक है लेकिन तो यहां पर अगेन ये चीज प्रूव होती है केवल पैकेजेस जो होते हैं कॉलेज के वो उनका सोल यू you नो know, की पैरामीटर नहीं होता है जिससे कि एनआईआरएफ रैंकिंग हम उन कॉलेजेस की जज कर सके ठीक है सो ये हो गई टॉप फाइव एनआईटी हमारी कौन कौन सी हो गई मैं एक बार आपको समअप कर देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे नंबर वन पे हो गए एनआईटी थ्री जी ठीक है जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है मैंने आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो एन आई टी सूरत कल सेकेंड नंबर पर हो गई उसकी भी सारी डिटेल्स दे रखी है मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट से लेकर एवरीथिंग एन आई टी राउर किला थर्ड नंबर पर आ गई अगेन एन आई टी वारंगल ऑल्सो ऑल दिटेल प्लेसमेंट सेवरी थिंग इज गिवेयर एंड फिफ्थ नंबर पर एन आई टी कैलीट विच इज इन केरला ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग पैकेज प्लेसमेंट एन आई आर एफ रैंकिंग यब्लिशमेंट दू नो विद्रीथिंग इज गिवेन हिस्टर ओके नॉट कमिंग टू द वन यानी नंबर पे कौन सी एनआईटी है तो सिक्स नंबर पे वी एन आई टी नागपुर एन आई टी नागपुर अब ये अब ये वी एन आई टी को ये मत सोच लेना कि भैया ये वी एन आई टी क्यों है ये एनआईटी ही है बट उसमें जो तो वी है वो स्टैंड करता है विशेषवर्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वी स्टैंड फॉर और बाकी एनआईटी आगे में National Institute of Technology. ठीक है बच्चों ओके तो इसकी भी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1961, ठीक है देख पा रहे हो आप सब नाइनटीन के अराउंड के एन हैं, ठीक है तो और ये है सॉरी 1960 है इसकी माय बैड ठीक है दो सौ चौदह एकड़ का कैंपस है ठीक है इसकी जो एन आई आर एफ रैंकिंग है वो है थर्टी टू एज आप एज यू कैन सी थर्टी वन पे कैलिकट था थर्टी टू पे वी एन आई टी नागपुर है अगर इसकी हाइएस्ट पैकेज की बात करें इट इज सिक्सटी फोर लैक्स ओके ये हाईएस्ट हाइएस्ट पैकेज अगर इसकी एवरेज पैकेज की बात करें ठीक है तो वो है नाइन पॉइंट एट लैक्स नाइन पॉइंट एट लैक्स और अगर इसकी एवरेज पैकेज सी एस सी की बात करें तो इट इज थर्टीन पॉइंट सिक्स लैक्स ठीक है सो द पैकेज इज रियली रियली गुड और अगेन मैंने बोला ये ऊपर बढ़ती ही जाएगी हर साल तो अभी 9.8 लाख इसकी एवरेज पैकेज है तो ये सोचिएगा कम है डेफिनेटली 9.8 लाख भी एवरेज पैकेज कम नहीं है दुनिया की कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज उठा लो इतनी एवरेज पैकेज किसी की नहीं होती भले वो वेबसाइट पे लिख दें ठीक है उनकी हाइएस्ट पैकेज भी इतनी नहीं जाती जितनी इसकी एवरेज पैकेज है ठीक है और ये ऊपर ही जाएगा ये तीनों पैरामीटर हर साल ठीक है एन आई आर एफ रैंकिंग थर्टी टू सो वी एन आई टी नागपुर अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी इंजीनियरिंग ठीक है सेवेंथ नंबर पर आता है एम एन एन आई टी अलाहाबाद एम एन एनआईटी अलाहाबाद ठीक है इसकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है 1961 कितना 222 एकड़ का कैंपस ठीक है इसकी एन रैंकिंग क्या है फोर्टी सेवन है एन आई रैंकिंग क्या है फोर्टी सेवन है अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें टॉक अबाउट हाईएस्ट पैकेज तो इट इज कमेंडेबल गाइस वन पॉइंट वन एट करोड़ और ये दो हजार बाईस की बात कर रहा हूं मैं दो हजार बाईस में एम एन एन अलाहाबाद की जो हाइएस्ट पैकेज गई थी ठीक है वो थी 1.18 करोड़, ओके? अगेन कंफ्यूज मत हो जाना ये एनआईटी ही है ठीक है एम एन उसके आगे लगा हुआ है ठीक है है ये एनआईटी ही ठीक है इसकी एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो है 17.19 लाख, ठीक है अगेन ये 2022 की ही बात कर रहा हूं मैं और अगर इसकी एवरेज पैकेज केवल सीएससी की बात करें तो वो है ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट नाइन लैक्स अगेन टॉकिंग अबाउट ये ठीक है सो एज यू कैन सी कि 2022 में इसकी हाईएस्ट पैकेज कितनी गई 1.18 करोड़ विच इज कमेंडेबल विच इज कमेंडेबल इसमें मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि क्यों आपको एम एन इलाहाबाद अगर मिले तो आपको खुशी खुशी बल्ले बल्ले करते जाना चाहिए है ना बताने की जरूरत तो नहीं है देखिए रहे हो आप डेटा से, आपको सब कुछ बता दे रहा है मैं तो बस आपके सामने डेटा रख रहा हूं है ना आठवें नंबर पे आता है एन दुर्गापुर दुर्गापुर कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में वी ऑल नो दैट ठीक है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज अगेन 1960 ओके वन एटी सेवन एकर का कैंपस है ठीक है एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी थर्टी फोर है थर्टी फोर पे आता है ये हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें इसकी तो इसकी हाईएस्ट पैकेज है फिफ्टी सेवन लैक्स विच इज वेरी इंप्रेसिव एवरेज पैकेज की अगर इसकी बात करें तो दैट इज इलेवन पॉइंट फाइव फोर लैक्स ठीक है अगेन वेरी इंप्रेसिव और अगर एवरेज पैकेज केवल सी की बात करें ठीक है दैट इज फोर्टीन पॉइंट ओके सो ये है एनआईटी दुर्गापुर विच इज नो लेस देन एनी अदर एनआईटीज एस नंबर पर रैंक करती है नाइन्थ पे वी हैव एनआईटी सिल्चर विच इज़ इन द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ आसाम ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ आसाम ठीक है क्या बढ़िया जगह है ये कॉलेज हमें ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में 625 ट्वेंटी एकर का वाइब्रेंट ग्रीनरी कैंपस प्रोवाइड करता है ये आपको ठीक है इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 38, ओके okay भैया हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो फोर्टी सिक्स पॉइंट एट फाइव लैक्स है इसकी अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो वो है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स लैक्स विच इज आल्सो क्वाइट इंप्रेसिव बच्चों और अगर इसकी एवरेज पैकेज सी एस ई डिपार्टमेंट की बात करें तो दैट इज फिफ्टीन लैक्स ठीक है एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट दिस विल गो अप ईच एंड एवरी ईयर ठीक है और नंबर एम एन आई टी जयपुर वी ऑल नो जयपुर इज इन राजस्थान ठीक है द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान दर ऑफ स्टेब्लिशमेंट इज नाइनटीन सिक्सटी तीन सौ सत्रह एकड़ का कैंपस है ओके दी एन आई आर एफ रैंकिंग इज एट फोर्टी सिक्स ठीक है अगर इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो इसका एवरेज पैकेज है ट्वेल्व पॉइंट फोर थ्री लैक्स अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें इसका हाईएस्ट पैकेज है सिक्सटी फोर लैक्स और अगर केवल एवरेज पैकेज सी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो है फोर्टीन पॉइंट टू फोर लैक्स ठीक है अगर आपको एम जयपुर का आपने नाम सुना है तो मैं आपको बता देता हूं डेफिनेटली सुना होगा बिल्कुल ही सुना होगा यहाँ के जो एल्यूमिनाई हैं वो बहुत ही फेमस हैं एन अवस्थी सर जिनके बारे में हम अगर आप लोग उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल की बुक है उसको अगर आप लोगों ने सॉल्व करी है तो वी ऑल नो नरेंद्र अवस्थी एन अवस्थी सर ही इज दल्यूमिनाई ऑफ दिस कॉलेज एम जयपुर जो कि अभी वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट जो कि कोटा में है उसमें पढ़ाते हैं आई गेस पहले तो मतलब जब तक मुझे पता नॉलेज था तब तक तो उसी में पढ़ाते थे मे बी अब चेंज कर दिया हो या स्टिल उसमें हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कंफर्म कर दीजिएगा बट एन अवस्थी सर वाइब्रेंट के फैकल्टी हैं और उनकी बहुत ही एक फेमस बुक आती है न्यूमेरिकल जिसमें होती है केवल फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन बुक एज यू नो इनिडर इनकन्डरेशन फॉर जेई मेन्स लेवल ठीक है सो दीज आर दॉप टेन एन आई जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में आया था बताने के लिए ठीक है आप लोगों को कोई भी डाउट हो और भी अगर किसी कॉलेज के बारे में आप लोगों को जानना हो या किसी इन्हीं दस एन में से किसी एक एन के बारे में कुछ डिटेल में और चीजें जाननी हो तो प्लीज टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट ठीक है और क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है बहुत ही डिमांडिंग सवाल था बच्चों का कि टॉप टेन एन कौन कौन सी होती है सर मुझे बताइए इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया अगर आगे आपकी और भी कोई डिमांड है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फील फ्री टू डू दैट ओके बट बिफोर डूइंग दैट जैसे मैं आपके इच्छाओं को यू you नो know, उसका ख्याल रखता हूँ मैं आपकी यू नो डिमांड्स की कदर करता हूँ तो मेरी भी एक छोटी सी डिमांड है कि फॉर मी टू कीप मेकिंग दिस वीडियो आई नीड सम मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल एंड दैट मोटिवेशन इज नो नथिंग इन कैश दैट मोटिवेशन इज नो मनी That motivation is just your love and your support to me, which you can give by subscribing to this channel and liking this video if it helped you. I'm not saying you to like this video if it doesn't make any difference in your you know, thought process or if it doesn't make any difference in your decision making for choosing a college. But if it does, then please second jaga, like this video, subscribe to this channel if you haven't, and share it with your friends so that they can also get the help which I am. री सुन okay? so, तब तक के लिए टेक केयर जय सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फुल थ्रोटल पे प्रिपरेशन चालू रखो ठीक है और कोई भी मदद चाहिए तो आपका भाई आपके साथ ओके बाय टेक केयर